चले अब मुझे बताएं टोटल लाइबिलिटीज की वैल्यू लिख के भेजें फटाफट, टोटल लाइबिलिटीज की वैल्यू लिख के भेजें फटाफट जल्दी से, शाबाश। टोटल लाइबिलिटी बोला है, सिर्फ करंट मत लिख के भेजिएगा, ट्रिपल जीरो जबरदस्त भाई, 7000 किसी को भी जवाब डिफरेंट नहीं आया, तो इसलिए मैं इस assumption के तहत कि आप सभी बड़े लिखे हैं। मैं आगे बढ़ता हूं और दोनों को प्लस करके दिखा देता हूं, 2148400 ये टोटल लायबिलिटी एंड शेयरहोल्डर इक्विटी का सम है। और अब आप मुझे आवाज कट रही है, अच्छा जिनको भैया आवाज बिल्कुल सही आ रही है वो हैंड रेस करें, वो किसी को भी नहीं आ रही क्या? हैंड रेज होना इस बात की दलील है कि लोगों को मेरी आवाज सही आ रही है। बेटा पूरी दुनिया इस वक्त जो है, पूरी दुनिया और खासतौर पर पाकिस्तान, और पाकिस्तान में खासतौर पर कराची, और कराची में खासतौर पर नॉर्थ कराची जो है ना, इंटरनेट बेतहाशा इस्तेमाल कर रहे हैं इस वक्त, क्योंकि हमारे पास कोई काम ही नहीं घरों में, सिर्फ खा रहे हैं इंटरनेट, खाते हैं इंटरनेट यूज करते हैं और खाते हैं बस, ये खाने के दरमियान भी वो ऑनलाइन होते हैं आमतौर पर। तो आप इंटरनेट तो मसला करेगा, मैं आपको बता रहा हूँ ना, अगर मैं घर के कनेक्शन से करूं आपसे बात तो घर के कनेक्शन पे मेरे भी नहीं होगा चलेगा नेट, जो केबल नेट लगा हुआ है घर पर। मैं एक अलग से 4G डिवाइस है जो कि जोंग की मैंने अपना उसके लिए मैंने जैश की बाकायदा अलग से, और उस पर मैं सिर्फ टोटल मैं बात कर रहा हूँ, कोई यूज नहीं कर रहा उसे, वो कनेक्शन है मेरा कुछ 7-8 MB का, तो उसमें मैं आपसे बात कर रहा था, उस पर भी आप लोग बिल्कुल आवाज नहीं आ रही। चलो ये हो गया ना, अच्छी बात। तैमूर ने बोला सर वॉइस ठीक आ रही है माशाल्लाह से, तुम भी माशाल्लाह बुला करो आराम, इंशाल्लाह आवाज बेहतर हो जाएगी। चलो बात आगे बात है, नॉन करंट एसेट की वैल्यू लिख के भेजो मुसलमान फटाफट, नॉन करंट एसेट, नॉन करंट एसेट 19,10,000 नॉन करंट एसेट। मरियम नॉन करंट एसेट सुना बेटा, पढ़ के जल्दी से मेरा बच्चा, मशीनरी 8 लाख लेस अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन 80,000, बुक वैल्यू आई है 7,20,000, 7,20,000, बिल्डिंग 14 लाख लेस अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन 2,10,000, बुक वैल्यू है 1,190,000 19,10,000। किसी को 19,10,000 में मसला है तो बताएं। दुआ मरियम आप कह रही है 11,90,000, आपने लिखते हुए आगे पीछे तो नहीं कर दिया वन को, 1910 है बेटा, वन लगाना भूल गए आप शायद। दुआ मरियम आपसे कह रहा हूँ बेटा, प्लीज जल्दी से कंफर्म करें मुझे लिख के। ओके चलो भाई, करंट एसेट बताओ यार आप जल्दी से, टोटल लिख के भेजो करंट एसेट का फटाफट, 2,38,400, जिसके पास करंट एसेट ये नहीं है वो बताए मुझे, मैच हो गया जवाब अल्हम्दुलिल्लाह। मरियम तीसरा सवाल बताओ यार जल्दी से। कोई बात नहीं, रेगुलर कर लिया तो कोई मसला नहीं है यार, काशांत कर तो लिया ना कुछ ना कुछ यार। प्रॉफिट क्या अमाउंट 33,700 भी आ रही है, 13,000 भी आ रही है, 93,000 भी आ रही है,
मैंने एक चीज पहला सवाल जो है मैंने पहला सवाल ये 2008 प्राइवेट जिसमें मैंने डायरेक्ट नेट प्रॉफिट पूछने की गलती कर ली, गुनाह अजीम हो गया है। वैरायटी देखे ना आप, 93,000, 13,000, 33,700, तो चलो कुछ दो जवाब चल जाता है। हमारे पास तो हर तरह की वैरायटी है अल्हम्दुलिल्लाह। चले जी बिस्मिल्लाह करता हूँ शुरू से, आप यही चाहते हैं जो आप चाहते हैं आपकी चाहत पूरी हो रही। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्या लिख के भेजा भाई, मरियम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्या लिख पाओ बेटा मुझे, 277,000 ये CGS के अमाउंट है। जिसके पास ये नहीं है 272 अली सुफियान 272 की बोल लो भाई, 5,000 रुपए कहाँ गड़बड़ कर रहे हो यार, 272 कह रहे हो आप, बाकी सब 277 बोल रहे हैं। CGS जिसके पास 277 नहीं है, चेक कराता हूँ भाई 277 कैसे आया। 2008 प्राइवेट क्वेश्चन नंबर वन, पहले बताओ 2008 प्राइवेट क्वेश्चन वन में कोई एडजस्टमेंट है जो पूछनी है तुम्हें किसी को भी, बगैर आवाज को पढ़ाना भी बड़ा मुश्किल होता है बेटा, जैसे ऑनलाइन पढ़ाना आपके लिए मुश्किल है, खासतौर पर मुझ जैसे टीचर के लिए जिसकी क्लास में बच्चे बोलते रहते हो। 2008 प्राइवेट क्वेश्चन नंबर वन, कोई एडजस्टमेंट पूछनी है, नहीं कोई ऐसे एडजस्टमेंट है ही नहीं जो आप पूछो, तो आप लोगों ने 277,000 निकाला है। अली सुफियान आपको बताओ यार 272 समझाऊं कैसे आया भाई, मर्चेंडाइज इन्वेंटरी ओपनिंग 10,000 रुपए, परचेजेस के अमाउंट 3,25,000 रुपए, और इसमें से आपने ट्रांसपोर्टेशन नहीं है क्वेश्चन में, कैरिज नहीं है, ये नेट परचेज है, इसका मतलब है आपने इसे डायरेक्ट इसमें ऐड कर दिया और आपके पास अमाउंट आ गई गुड्स अवेलेबल फॉर सेल। मरियम अमाउंट बताओ कितनी आई अवेलेबल फॉर सेल, 3,35,000 लेस कर दिया मर्चेंडाइज इन्वेंटरी एंडिंग 58,000, तो CGS ये बन रही है ना 277,000। अच्छा भाई अच्छा काशान भाई आपने 2008 प्राइवेट किया भाई, शुक्रिया भाई आपका। चलें आगे बढ़ते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट क्या अमाउंट बता दो यार जल्दी से, हम समझ 1,20,000 130,000। मरियम यही है, नहीं 120,000। अच्छा 1,20,000, बाकी लोगों के पास 1,20,000 है, सही आगे बढ़ रहा हूँ, अगर नहीं है तो पूछ लेना। ऑपरेटिंग एक्सपेंस का सम लिख के भेजो फटाफट तेजी से यार, तेजी से ऑपरेटिंग एक्सपेंस का सम लिख के भेजें, सब बच्चे लिख के भेजें प्लीज सब, जिस जिसने काम किया वो भेजे जरूर यार, क्योंकि मैं देख रहा हूँ स्क्रीन मुस्तकिल। एक जवाब डिफरेंट आया है यमुना का, ओके ओके, अली सुफियान का जवाब फिर डिफरेंट आया है, यमुना और अली सुफियान का जवाब डिफरेंट आया है। अच्छा ना मुझे पता तो चले आपने क्या किया हुआ है, कहाँ गलती हो रही है। 93,000 ग्रॉस प्रॉफिट है, एक मिनट रिमशा ने भी डिफरेंट आंसर भेजा है यार, रुक जाओ अब सब रुक जाओ, मत कुछ मैसेज करो, मैंने तो आपसे ऑपरेटिंग एक्सप्रेस का पूछा था, लोग ग्रॉस प्रॉफिट पे लड़ाइयां कर रहे हैं अभी भाई। सेल की अमाउंट कितनी है क्वेश्चन में, सेल की अमाउंट है 4,00,000, 4,00,000 में से लेस किया 2,77,000, अबे हाँ यार ग्रॉस प्रॉफिट तो गलत लिख दिया। मरियम सर सेल रिटर्न भी तो है, अच्छा अच्छा भाई सेल 4,00,000 में से सेल रिटर्न माइनस किया, सेल रिटर्न कितना मेरा बेटा 3,000, 3,000 तो 4,00,000 माइनस 3,000 ये आया कितना 3,97,000, 397,000 में से 277 माइनस किया। मिनल सुन रही हो ना तुम, तुम्हारे लिए बोल रहा हूँ ये मैं, ग्रॉस प्रॉफिट की अमाउंट 1,20,000 है, 93,000 अब तुम समझाओ अनम्यूट करके कैसे आया, अनम्यूट करने में क्या दूसरे से यार, मैंने गलती से सेल रिटर्न में ना बोलिए बेटा सर, समझ आ गया बस ये बता, मैंने गलती से 30,000 लिख, ओके अब सही कर लिया मेरा बच्चा, मैं आगे बढ़ूं जी, आ गया समझ में। चलो रिमशा दुआ मरियम और अली सुफियान इनके ऑपरेटिंग सर समझ में आ गया, ओके रिमशा दुआ मरियम और अली सुफियान इन तीन के ऑपरेटिंग एक्सपेंस डिफरेंट थे, बाकी सबके ऑपरेटिंग एक्सपेंस सेम थे 86,300। मरियम मरियम परवेज जरा ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस का अमाउंट पढ़ो और फिर कोई रिप्लाई नहीं करेगा सिवाय इन तीन नामों के, दुआ मरियम
और अब मैं नाम भी, हाँ रिमशा और अली सुफियान, आप तीनों अपने पास एक्सपेंसेस मैच करें जनाब। मरियम स्टार्ट बेटा। ऑफिस सैलरीज एक्सपेंस 13,000, सेल्स सैलरी एक्सपेंस 15,000, एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस 8,000, ऑफिस रेंट एक्सपेंस 20,000, ऑडिटर फी 5,000, डायरेक्टर फी 14,000, बेडेड एक्सपेंस 2,300, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस 9,000, टोटल हुआ 86,300। ओके, जो लोग इससे ज्यादा दिखा रहे हैं, मेरी सिक्स सेंस कहती है यकीनन डिस्काउंट शेयर भी उन्होंने लिख लिया होगा, खुदा ना खास्ता एक ये चीज होगी, और इसके अलावा भी कुछ कुछ ना कुछ ऐसी लाए होंगे नई मार्केट में जिसके बिना भी उनका जवाब डिफर कर रहा है। चलो भाई दुआ मरियम हो गया मैच। ओके, अली सुफियान का कुछ नहीं पता, रिमशा का अभी तक कुछ नहीं पता कहाँ पे कौन सी अमाउंट डिफर कर रही है, कहाँ मिस्टेक है, जल्दी बता दो यार। रिमशा और अली सुफियान तुम दोनों का इंतजार कर रहा हूँ, लिख के मैसेज क्या करो कि क्या मसला है, कहाँ पे क्या कंफ्यूजन है। यमुना ने तो बोल दिया सर, दुआ मरियम ने बोल दिया हो गया मैच मेरे पास। बैड डेट्स की वैल्यू बता दूं यमुना, बैड डेट्स की वैल्यू ऐसे निकली है कि बैड डेट्स 1300 रुपए सवाल में एडजस्टमेंट में दिया हुआ है, और अलाउंस फॉर बैड डेट्स जो है वो पहले से क्वेश्चन में नजर आ रहा है 1000, सही है, और वो डेबिट साइड पे है मेरा बेटा, सही है। फिर बोल रहा हूँ सब बच्चों के लिए बोल रहा हूँ, अलाउंस फॉर एडजस्टमेंट नंबर टू, एडजस्टमेंट नंबर टू की अमाउंट चेक करें सब लोग। एस्टिमेटेड अलाउंस फॉर बैड डेट 1300 रुपए होना चाहिए, यानी अलाउंस फॉर बैड डेट्स के अकाउंट में 1300 रुपए होने चाहिए साल के आखिरी दिन। जब हम अलाउंस फॉर बैड डेट जाके क्वेश्चन में देखते हैं तो अलाउंस फॉर बैड डेट में 1000 रुपए मौजूद नहीं है, बल्कि उल्टा नेगेटिव बैलेंस है, तो हमें 1000 रुपए ये भी रखने पड़ेंगे और 1300 रुपए और, तो 2300 रुपए से एंट्री बनी है। बैड डेट एक्सपेंस डेबिट, अलाउंस फॉर बैड डेट्स क्रेडिट 2300 रुपए से एंट्री बनी है। यमुना आपको समझ आया जल्दी बताएं, और यार ये रिमशा और अली सुफियान का जवाब ही नहीं आ रहा भाई, आप लोगों को नहीं समझ आ रहा तो बता ही दो यार कम से कम। अली सुफियान कहाँ हो भाई तुम, अनम्यूट करके जवाब दे दो, लिख के दे दो यार कुछ तो बोलो। सर ऑपरेटिंग एक्सपेंस एक बार बता दें सही दोबारा से, ऑपरेटिंग एक्सपेंस दोबारा से बता दूं। मरियम बेटा प्लीज माजरत के साथ। ऑफिस सैलरीज एक्सपेंस 13,000, सेल्स सैलरी एक्सपेंस 15,000, एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस 8,000, ऑफिस रेंट एक्सपेंस 20,000, ऑडिटर फी 5,000, डायरेक्टर फी 14,000, बेडेड एक्सपेंस 2,300, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस 9,000। जज़ाकअल्लाह बेटा, खुश रहो। यार देखो अब अली सुफियान, मिनल और रिमशा, रिमशा का तो हो गया मैच और जिसका भी है यार, अब देखो इसने मरियम ने सारे नाम पढ़े, सबके अमाउंट बोली है। अब यार तुम जो अमाउंट वहां पर मैच नहीं हो रही, तुम जल्दी से बताओ ना मुझे ये कैसे आई है, तो मैं तुम्हें समझा दूंगा वो कैसे आई है। सर यही तो लिखा हुआ मैंने भी। अबे तो सबका टोटल करते हुए मिस्टेक कर रहे हो ना दोस्त, आप टोटल बन रहा है 86,300। मिनल कह रही है 107,000। मिनल ये जितने नाम मरियम ने लिए, क्या बेटा ये इनमें से कोई एक्स्ट्रा लिखा है तुम्हारे पास कोई नाम? टोटल में मिस्टेक कर रहे हो आप, 86,300 पूरी कास्ट के पास आ रहे हैं, तो मिनल टोटल क्या कर रही हो मेरा बच्चा, 107,000 कैसे आ रहे हैं, 86,300 आ रहे हैं सब बच्चों के पास, आ गया शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। सुफियान तुम भी टोटल चेक करो यार, टोटल में मिस्टेक कर रहे हो आप लोग। ठीक है सर चेक भी करो, सिर्फ मुझे ऐसे झूठी तसल्ली ना दो। कर लिया टोटल कर लिया, मैच हुआ जी सर, प्रॉफिट आया लॉस आया आप बताओ आगे चलो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट ऑपरेटिंग लॉस? सर प्रॉफिट आया, ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ गया जी। अनिल राव आपको तो बहुत मुश्किल हो रही होगी बेटा आज की क्लास में, मेरा बच्चा मुझे अंदाजा है, लेकिन क्या करें अब ये काम मैंने होमवर्क दिया होता और आपने पूरे एक महीने का गैप कर लिया, और टॉपिक जो है वो अब इख्तिताम पसीर होने वाला है ये वाला, आप मुझे लिख के बता दीजिएगा आप इंटर कॉमर्स हैं या इंटर साइंस हैं ये भी बता दीजिएगा प्लीज सर। चलो भाई मरियम इसमें कमीशन इनकम अदर इनकम है बेटा क्वेश्चन में कोई? नो सर। उसका मतलब है और कोई इंटरेस्ट वगैरह नहीं, तो मैं इसको नेट प्रॉफिट नाम दे दूं डायरेक्ट? यस सर। ओके तो इसके ऊपर मैं अलग से लिख देता हूँ इस सवाल का, इस सवाल में यही नेट प्रॉफिट है भाई।
सवाल में यही नेट प्रॉफिट है, आगे जाने की जरूरत नहीं है। चलो रिटर्निंग एंडिंग बैलेंस मुसलमानों, अच्छा हाँ बेटा आपने डिग्री किया था, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा, लेकिन बात कर रहे हैं टॉपिक अपने एंड पर है या तकरीबन समझ लें आप, तो आपने पूरे एक महीने का गैप कर दिया, अनिल राव से बात कर रहा हूँ, तो बेटा थोड़ा सा कंप्रोमाइज तो करना पड़ेगा, नया टॉपिक जब शुरू होगा तो आप दिमाग चलाइएगा, और यह है कि आपको जो प्रॉब्लम हो रही है आप इन लेक्चर्स को देखें, वीडियो के लिंक मैं आपको दे दूंगा अलग से, आप बैठ के देखें, तो फिर आप टाइम देना पड़ेगा बेटा, क्योंकि देखो ये अभी आप इस वक्त भी ज्वाइन नहीं करती, अगर आप हमें जून में ज्वाइन करती जब से क्लासेस फिजिकली स्टार्ट होती तो उस वक्त पता नहीं क्या हाल होता, कम से कम मेरे पास पढ़ने आने वाला तो नहीं पढ़ सकता, मैं बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड इंसान हूँ, क्लियर कहता हूँ कि भाई मेरे पास जो बच्चा आएगा ना जून में और उसको ये कंपनी अकाउंटिंग नहीं आती होगी, उसे ये शेयर वगैरह सब ड्रामेबाजियां नहीं बताऊंगी, मेरा तो नहीं ख्याल कि हमारी क्लास की स्ट्रेंथ बढ़ेगी। हाँ कोई पुराना बच्चा आगे इस शब्द पे रुक जाएगा, हाँ यार इनसे पढ़ते समझ आ जाता है तो वो रुक जाएगा, नया स्टूडेंट तो मेरे पास बहुत मुश्किल है कि रुक पाए, क्योंकि आपको ये सब चीजें जो मैं इस वक्त पढ़ा रहा हूँ ये मैं बार बार दोबारा ना पढ़ा सकूंगा, हाँ या तो हम रोक दें पढ़ाई, जिसके लिए मुझे सबसे पूछना पड़ेगा और ऐसे मैं डिसीजन नहीं ले सकता। चलो 297 00, ये आपने मुझे रिटेन अर्निंग का एंडिंग बैलेंस बताया है 297 00, मरियम एग्री? यस सर यही है। ओके 297 00 लिख दिया, टोटल शेयर होल्डर इक्विटी पे आ चुके हैं, वैल्यू लिख के भेजें, देखिए आप बस अनिला आप थोड़ी सी खुद मेहनत कीजिएगा, मैं बाकी आपको हेल्प कर दूंगा, आप एफर्ट करेंगी तो कुछ हो सकेगा, एफर्ट नहीं बगैर एफर्ट की दुनिया में कुछ भी नहीं है मुमकिन। 397 00 मरियम चेक करो बेटा ये वैल्यू, और तुमने लिख के भेजी yes, है सही है, सही है 139700। हाँ भाई अभी सबने, अच्छा 129700 आ गई, दुआ मरियम 129700 आ रही है आपके पास, अच्छा यमुना कह रही है मेरे पास आंसर सेम नहीं है, चलो भाई मरियम शुरू हो जाओ 137 139700 प्रूफ करो कैसे आया। अच्छा एक मिनट, रिटेन अर्निंग का 297 00 भी नहीं आ रहा, दुआ मरियम यमुना कह रही है कि रिटेन अर्निंग का बैलेंस बताएं, यमुना मरियम परवेश जरा बताना बेटा रिटेन अर्निंग का एंडिंग बैलेंस कैसे आया 297 00। रिटेन अर्निंग ओपनिंग 1000 एड नेट प्रॉफिट 357 00, नहीं 337 00, अर्निंग अवेलेबल फॉर अप्रोप्रिएशन आया है 347 00, लेस अप्रोप्रिएशन कैश डिविडेंड पेबल 4000, स्टॉक डिविडेंड पेबल 1000, टोटल हुआ 5000, लेस किया तो आया 347 00 में से लेस किया 5000 तो आया 297 00। ठीक है यमुना बोलो बेटा आपने मैच किया अपने पास, देखो काम नहीं किया मैंने किसी ने यार तो वो तो बिल्कुल बेकार इंसान है फजूल, जिसने काम किया हुआ वही बता सकता है कि उसके पास क्या गलती है, कहां मिस्टेक है, जल्दी बताओ प्यार बच्चों आगे चलो इसका मतलब टोटल शेयर होल्डर इक्विटी 139700, दुआ मरियम अब आप बताएं आपके पास क्या क्या लिखा हुआ है, दुआ मरियम जरा अनम्यूट कीजिएगा अपने आपको, मरियम मरियम परवेज आप साथ रहिएगा, अबे काशान क्या लाइट नहीं आ रही थी तुम्हारी, अच्छा अच्छा गर्मी में पड़ रहा था तू, हाँ भाई अपना दुआ मरियम मेरा बेटा अपना जरा अनम्यूट करें ना प्लीज, अनम्यूट कीजिए यार, क्या आप लोगों को अनम्यूट करना नहीं आता। यस सर। जी बेटा दो मरियम अब ये बताओ कि आपके पास शेयर होल्डर इक्विटी में अमाउंट क्या क्या लिखे हैं, जल्दी बताओ सर, इसमें मैंने ये भी लिया है क्या कहते हैं टोटल शेयर होल्डर इक्विटी, सर एक मिनट सर, आपने 129700 लिख के भेजी है ना, मुसलमानों फटाफट लायबिलिटीज 16000, कोमल जल्दबाजी का मुजाहरा कर रही है, एक जीरो खा गई, 16000 टोटल लायबिलिटीज हैं, ओके भाई 16000 लिख दिया, चलो नॉन करंट एसेट, किसी को 16000 पे इतराज नहीं, 16000 कैसे आया है 56000, वर्दा वर्दा ने बोला 56000,
मरियम परवेज क्या है भाई सही जवाब? सर नॉन करंट एसेट बता रही है वो 56,000। अच्छा जल्दी से जवाब दे दिया, इतना वरदा सिद्दीकी तो चल रही हो बहुत अच्छा। मुझे पता है भाई तुम लोगों ने काम किया हुआ और तुम लोग बोर हो रहे हो, लेकिन क्या करें बेटा ये जरूरी है वरना कोई फायदा नहीं होगा क्लास का। फिर बच्चे बोलेंगे ये सर की क्लास भी अब समझ नहीं आ रही, ये टॉपिक ऐसा है कि इसमें जो बच्चा काम नहीं करेगा उसे मेरी बात समझ में भी नहीं आएगी। और इसका ये मुंह बोलता सबूत आज हमारे साथ एक स्टूडेंट है जो कि एक महीने के बाद आई है, किसी प्रॉब्लम की वजह से नहीं पढ़ सकी हो, बीच में उसे पता नहीं था तो आज वो प्रॉब्लम महसूस कर रही है, कह रही है सर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा मुझे। चलो नॉन करंट एसेट अब मैं लिख देता हूँ, सब कह रहे हैं यही जवाब है नॉन करंट एसेट का 15600। काशान भाई 46,000 आप इसलिए बोल रहे हैं कि शायद आपने डिस्काउंट शेयर 10,000 नहीं लिया है नॉन करंट एसेट में, मुझे ऐसा लगता है जी। काशान भाई ऐसा ही है? यस सर ऐसा ही है, जब भी 10,000 का बैलेंस बराबर नहीं हो रहा था। कर लो पैर में मुनासिब कर लो, बस अब शाम का रात का वक्त है। सही सर दिया हुआ है? हाँ दिया हुआ है सर, दिया हुआ है, लेकिन करे मैं घर से कुछ भी नहीं लेके आता। अच्छा ओके सर। एक इम्पोर्टेंट बात मेरे आंसर रह गई, और दुआ मरियम ने जब सवाल किया था तो मुझे उस वक्त याद नहीं आई है, मैं उसके लिए स्पेशली बोल रहा हूँ। दुआ मरियम भी सोच रही होगी, इन्होंने मुझे सुनवा तो दिया मरियम परवेज से कि ये रिटेन अर्निंग है पूरा। अब यार किसी में हिम्मत ही नहीं होती कि वो बोले सर रिटेन अर्निंग का क्वेश्चन में बैलेंस नहीं दिया हुआ था, क्वेश्चन मार्क बनाया हुआ था। आप इस तरह से सवाल करेंगे तो मैं बताऊंगा, क्योंकि मैं तो खुद तेजी से पढ़ाने के चक्कर में चीजें आगे लेके भाग रहा हूँ। अब जो बच्चे जहीन है जिन्होंने काम कर लिया वो समझ जाते हैं, अब बाकी बच्चे पूछने की हिम्मत ही नहीं करते। भाई रिटेन अर्निंग का ओपनिंग बैलेंस मरियम कितना बोला था तुमने? रिटेन अर्निंग का ओपनिंग बैलेंस बताना। ओपनिंग यार ये 1000 क्वेश्चन में कहीं दिया हुआ ये बताओ? नो सर। तो भाई ये 1000 कैसे निकाला तुमने तो निकाल लिया। दुआ मरियम आपने ये निकाला कैसे निकाला? आपको पता ही नहीं होगा, आपने पूछा भी नहीं मुझसे, पूछना चाहिए था जी। आपने तमाम डेबिट का टोटल किया और तमाम क्रेडिट का टोटल किया, पूरी क्लास गौर से सुन ले, तमाम डेबिट का टोटल और तमाम क्रेडिट्स का टोटल दोनों को बराबर होना चाहिए। मैं आपको बताता हूँ समी भाई, आपको बहुत बहुत शुक्रिया। तमाम डेबिट का टोटल बन रहा है 5,22,000 और तमाम क्रेडिट्स का टोटल बन रहा है 5,21,000। क्रेडिट में 1,000 रुपए कम है, ये 1,000 रुपए रिटेन अर्निंग का ही बैलेंस है। क्वेश्चन मार्क जहां बना हुआ है अर्निंग्स क्वेश्चन मार्क, तो बेटा 1,000 रुपए रिटेन अर्निंग का बैलेंस है ओपनिंग। फिर उस 1,000 रुपए में मरियम परवेज ने कहा कि 33,700 रुपए प्रॉफिट ऐड करो, और मरियम क्या लेस करवाया था? और कुछ ऐड करवाया था? नहीं, बस ये दो ऐड चीज हुई थी, ओपनिंग और प्रॉफिट। मरियम कहां चली जाती है बेटा? ये रही सर। तो बेटा पूछ रहा हूँ बताओ, ओपनिंग यस सर 1000 में नेट प्रॉफिट ऐड किया है, तो 34,700 रिटेन अर्निंग का अवेलेबल था, उसमें से लेस किए थे हमने दो चीजें, एक कैश डिविडेंड 4,000 और एक स्टॉक डिविडेंड 1,000। 5,000 लेस किया था तो 29,700 आया था। ये बात आप लोग मुझसे पहले नहीं पूछी, पूछनी चाहिए सब लोगों को। चले बहरहाल नॉन करंट एसेट मैच हो गए करंट एसेट। उम्मीद करता हूँ दुआ मरियम को भी समझ आ गया होगा, यमुना को भी समझ आ गया। यार अपनी प्रॉब्लम्स आप देखें शेयर नहीं करेंगे तो बड़ी माजरत के साथ, फिर मैं इस तरह मुझे पढ़ाते हुए बड़ा गिल्टी फील होता है कि आप लोगों को समझ ही नहीं आ रहा, तो फिर आप पढ़ क्यों रहे हैं यहाँ पे? आप अपनी प्रॉब्लम शेयर तो करें मुझसे कम से कम जी। करंट एसेट का जवाब भेज दिया लोगों ने लिख के 99,700 यस सर सबके पास यही है। ओके इसका मतलब है हमारे एसेट्स और हमारी शेयर होल्डर इक्विटी लायबिलिटी का आंसर मैच हो रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह 3 क्वेश्चन हो गए, बड़ी बात है 3 क्वेश्चन भी वेरीफाई हो गए, वैसे 6 दिए थे मैंने होमवर्क में। यस सर अल्लाह अकबर, अब खुद ही पछता रहा हूँ। चलो तो अगला ईयर कौन सा बेटा? 2005 रेगुलर। बेकार है, किसी से डायरेक्ट पूछूंगा ना प्रॉफिट कितना है, सब अलग अलग ही बताएंगे, इसलिए इज्जत इसी में है कि भाई जो है वो पूरा सवाल खुद ही बताना होगा, ये कौन को पूरा बताना पड़ेगा। चलो जल्दी करते हैं कोशिश करके बस आज किसी तरह। चलिए जी 2005 रेगुलर क्वेश्चन 4 यस सर 2005 अनिला बेटा आप मुझे ये बताना आपके पास 5 ईयर है मेरा बच्चा? मैसेज पे लिख के बता दो 5 ईयर है आपके पास अनसॉल्व। चलो
चलो भाई प्यारे बच्चों सीजीएस सीजीएस पे पहुंच गए इस सवाल की। ओहो बेटा अभी तो हाँ फाइनल तो मिलेगी नहीं बेटा, आपकी कोई दोस्तों क्लास में अगर किसी से हेलो आया है आपकी तो आप उससे प्लीज बोलिएगा कि आपको क्वेश्चंस की पिक्चर भेज दे, तो फिर आप उसको देख के समझ सकेंगे बगैर सवाल के बगैर फाइवर के। आपके लिए तो आपका तो टाइम वेस्ट हो रहा होगा, बैठ के आप बोलेंगे कहाँ फंस गई मैं, कुछ समझ में भी नहीं आ रहा, ना फाइवर है ना क्वेश्चन है, जिंदगी एक मुश्किल में पड़ गई आपकी। अब बस ये कि कल तक अगर टॉपिक खत्म करते हैं इंशाल्लाह या जैसे भी, तो फिर हम आगे आपको अल्लाह के कुछ कोशिश करेंगे समझा सकें, लेकिन अभी सवाल बहुत सारे बाकी हैं। मजे की बात है ये, बस मैं इस वीक इनके हवाले कर दूंगा, कोशिश करता हूँ। चलो भाई सी जी एस की अमाउंट आ गई है, एडजस्टमेंट बताऊं या ना सी बता दूं, एडजस्टमेंट 2005 रेगुलर क्वेश्चन नंबर 4। आप अनिला अगर आपकी कोई दोस्त अभी है इस वक्त ऑनलाइन, तो आप उसको व्हाट्सएप पे मैसेज करके बोलो कि सवाल की पिक्चर भेज दे आपको, तो आपको कुछ सवाल कुछ तो देखने को मिले, कुछ तो समझोगी बेटा। 2005 रेगुलर पर पूरी क्लास आ जाए और आखिरी के 10 मिनट रहेगा भाई इस मीटिंग के। 5 रेगुलर क्वेश्चन नंबर 4 एडजस्टमेंट नंबर सी की फरमाइश आई है मेरे पास। ऑडिट फी फॉर द ईयर एस्टिमेटेड 5,000, कह रहा है ऑडिट फी इस साल 5,000 रुपए खर्च होगी, तो ऑलरेडी ऊपर ऑडिट फी रिकॉर्ड हुई है चेक करो, नहीं इसका मतलब है हम ऑडिट फी का खर्चा 5,000 रुपए होगा, अभी हुआ नहीं है, जब होगा तो हमें अदा करना होगा, और ऑडिट इसी साल का होगा तो इस साल का खर्चा है, रिकॉर्ड भी इस साल होना चाहिए, और क्योंकि अभी ऑडिट हुआ ही नहीं है तो वो पैसे हम पर देना जिम्मेदारी होगी, हमारी लायबिलिटी होगी, सही है। अच्छा बेटा वो जो स्टूडेंट अंजला आपके साथ थी वो नहीं है कैश मीटिंग में, क्या लेफ्ट कर दिया उसने, आपने उससे पूछा तो सही, उससे मैसेज करके जरा प्लीज। अच्छा ऑडिट फी की जो एडजस्टमेंट है, ऑडिट फी की जो एडजस्टमेंट है वो है ऑडिट फी एक्सपेंस डेबिट ऑडिट फी पेएबल क्रेडिट, ऑडिट फी एक्सपेंस डेबिट ऑडिट फी पेएबल क्रेडिट, ये एडजस्टमेंट सी बताई है मैंने। यमुना एडजस्टमेंट सुन लिया आपने, सेकेंड एंट्री भी बता दूं, डिविडेंड प्रोपोज किया है ऑर्डिनरी शेयर पर 3%, इसकी एंट्री है रिटेन अर्निंग डेबिट और कैश डिविडेंड पेबल क्रेडिट। दोबारा बोल रहा हूं एडजस्टमेंट 1 भी बता देता हूं, क्योंकि आप डी भी पूछ लिया तो मैं ए भी बता देता हूँ, ये सारी बता देता हूँ, फिक्र ना करो, ये लो सुनो, मर्चेंडाइज इन्वेंटरी डेबिट एक्सपेंस एंड डेफिनेशन समरी क्रेडिट 80,000, दूसरी एडजस्टमेंट रिटेन अर्निंग डेबिट और कैश डिविडेंड पेबल क्रेडिट। अमाउंट कैसे निकले गौर से सुने सब बच्चे, ऊपर जाके ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल देखा, ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल की अमाउंट, ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल 5 मिलियन रुपीज है भाई, 50 लाख रुपए, अगर आप सबको नजर आ रहा हो 50 लाख रुपए का 3% ले, मेरा ख्याल है अगर मैं गलत ना हूँ 1,50,000 आ रहा होगा जवाब। मरियम क्या जवाब बेटा? यस सर 1,50,000। मरियम अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन प्लांट एंड मशीनरी की अमाउंट बता दो बेटा, 4,70,000। और अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन वैन की अमाउंट बता दो, 1,40,000। अब डेप्रिसिएशन एक्सपेंस प्लस करके बोल दो। सर एक सवाल है। जी सर अभी सवाल लेता हूँ, पहले अमाउंट सुन लें आप। 6,10,000। 6,10,000। अब सवाल करो भाई लड़के। सर ये यहाँ पे जो मैंने भी इसी तरह ही किया है, पर सर कुछ दोस्त कह रहे थे कि नेट पर वो जो रेट दिया हुआ है ना वो हमेशा नेट पे लगता है, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड के जरिए फिर उन्होंने निकाला हुआ है। कौन से दोस्त हैं ये? गलत है ना, अगर सर ये क्लास के ये मैं नाम नहीं बताना चाहता, सर अगर हमें बता के देखे नेट पे हमें मशीन पे रेट लगाना तब हम जाके इस तरह करेंगे ना। मैं आपको बताता हूँ, आप सुनिएगा मेरी बात ध्यान से, जब सवाल में लिखा हो कि 10% एंड 20% ऑन क्या कहते हैं बुक वैल्यू, क्या लिखा ऑन बुक वैल्यू या लिखा हो बाय डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, बाय डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड, बाय रिटन डाउन वैल्यू मेथड WDV, ये सारे नाम मैंने पढ़ दिए, तो आपने जो एसेट की कॉस्ट है उसमें से अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन को लेस करके रेट लगाना है, और जब कुछ ना लिखा हुआ हो जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है तो हमेशा कॉस्ट पे रेट लगाना है। कान खोल के सब बच्चे ये बात सुन लें और याद रखें। समी कह रहा है डेप्रिसिएशन की अमाउंट 5,80,000 है तुम्हारे पास,
भाई जान अलाउंस फॉर मरियम दोबारा बताओ अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन प्लांट की अमाउंट कितनी है बेटा 4,70,000 यस सर और अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन मोटर वैन की अमाउंट है 1,40,000 यस सर तो यार 4,70,000 और 1,40,000 समझ में आजकल कितने बन रहे हैं 6,00,000 5,80,000 तो नहीं बन रहे मेरे दोस्त तुमने यकीनन डेप्रिसिएशन किसी और तरीके से लिया है अबे किसने बोल दिया तुम लोग यही तो समझा रहा हूँ भाई खुदा का वास्ता गौर से सुना करो लेक्चर को फिर कह रहा हूँ भाई तुम लोग ऊपर प्लांट एंड मशीनरी की कॉस्ट है 47,00,000 रुपीज इसमें से कुछ बच्चे एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन प्लांट एंड मशीनरी 1,40,000 माइनस कर रहे हैं वो भाई ये कब माइनस करते हैं इस बात को रिकॉल तो कर लो यार जरा इसे माइनस करते हैं जब सवाल में लिखा हो डेप्रिसिएशन प्लांट एंड मशीनरी पर 10% होगा डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड से डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड से रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड से या बुक वैल्यू लिखा हो तो ये तमाम पहचान है भाई इसमें कहा लिखा है कि आप डिमिनिशिंग डिक्लाइनिंग रिड्यूसिंग या बुक वैल्यू पे रेट लगाएं कुछ भी लिखा तो जब कुछ ना लिखा हो तो कॉस्ट पे रेट लगाते हैं बोल भी रहा हूं आप सुनी नहीं मेरी बात तो कॉस्ट कितनी है भाई 47,00,000 के ऊपर रेट लगाएं सीधा सीधा 10% जवाब आया 4,70,000 वैन की वैल्यू 7,00,000 रुपए उसके ऊपर सीधा सीधा 20% रेट लगाएं जवाब आया 1,40,000 दोनों को प्लस कर लें यही डेप्रिसिएशन है भाई और आप क्यों लेस कर रहे हैं जब तक सवाल में लिख के नहीं देगा डिमिनिशिंग डिक्लाइनिंग रिड्यूसिंग बुक वैल्यू आप ऐसी गलती नहीं करेंगे उम्मीद करता हूं आपने मेरी बात सबने सुन ली होगी और अब ये मिस्टेक रिपीट नहीं होनी चाहिए आखिरी एडजस्टमेंट रिटेन अर्निंग डेबिट और जनरल रिजर्व क्रेडिट 50,000 एडजस्टमेंट में क्लास खत्म कर दो तुम लोग पूरी मेरी चलो सीजीएस के अमाउंट लिख के भेज दो बस मुझे लग रहा है अभी ये वाली मीटिंग भी खत्म हो जाएगी फिर दोबारा मीटिंग शुरू करनी पड़ेगी जल्दी करो सीजीएस के अमाउंट हाँ चलेगा बाकी सब लोग सो रहे हैं क्या वरदा अब जवाब ही नहीं आ रहा तुम्हारा है चली गई क्या मीटिंग से ये ग्रॉस प्रॉफिट की अमाउंट भेजो ₹6,30,000 अच्छा ऑपरेटिंग एक्सपेंस का सम भेजो नेट लॉस आया तुम्हारे पास कसान आ रहे हैं नेट लॉस पर परेशान नहीं हो ऑपरेटिंग एक्सपेंस की अमाउंट ऐसे बीच में तेज नहीं भागो वरना मैं भी डिस्टर्ब होऊंगा ऑपरेटिंग एक्सपेंस क्या अमाउंट भेजो माशवा ने अलग भेजी है समी और माशवा कोमल की अलग है 9,33,000 कोई बोल रहा है 9,55,500 कोई 9,33,500 चलो भाई शुरू करें इसका मतलब ऑपरेटिंग एक्सपेंस का सम बताओ अपना मरियम 9,33,000 चलो वेरीफाई करवाओ बाकी लोग जो अलग अलग वैल्यूज बता रहे हैं और सुने भाई डायरेक्टर रिम्यूनरेशन 45,000 सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस 1,30,000 जनरल एक्सपेंस 143,000 ऑडिट फी एक्सपेंस 5,000 डेप्रिसिएशन एक्सपेंस 6,000 नहीं 610,000 6,10,000 बस और कुछ नहीं सर ऑब्जेक्शन हाँ ऑब्जेक्शन मिला सही ओवर सर यहाँ पे सर एक सवाल है सर ये डिबेंचर इंटरेस्ट यहाँ पे 2,500 जो लिखा हुआ है क्योंकि अगर ये हमारी लायबिलिटी होती तो ये क्रेडिट साइड पे होती हाँ तो मैं कह रहा हूँ नहीं है तो है ना इंटरेस्ट ये क्या है फिर बता दे तो ये कहाँ आएगा भूल गया ये ऑपरेटिंग एक्सपेंस में नहीं आता कितनी बार बताऊं अरे अच्छा नीचे आएगा मेहरबानी सर मेहरबानी आपकी सर शुक्रिया सर ओके सर मैंने भी गलती कर दी थी ये इसको ऑपरेटिंग एक्सपेंस में लिख दिया शुक्रिया आपको बहुत बहुत शुक्रिया आपको जी आखिरी मिनट चल रहा है मीटिंग किसी भी समय खत्म हो जाएगी एक और मीटिंग करनी पड़ेगी हमें क्योंकि होमवर्क किसी हद तक तो चेक हो जाए आज आपको वैसे कोई काम तो होगा नहीं आप खुद दुनिया से फारिग हो तहसीन है तो आप एक मीटिंग और कंडक्ट करते हैं अभी जी चले मैं मीटिंग दोबारा शुरू कर लूँ या खत्म करता हूँ आखिरी अमाउंट ऑपरेटिंग प्रॉफिट लॉस की मैं आपको पूछ के लिखता हूँ आप लोगों से आप जब तक सही करना है अपने पास ऑपरेटिंग एक्सपेंस 9,33,000 मीटिंग खत्म करके एक आखिरी मीटिंग और करते हैं बस